जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पर जेन्युइन और ऑथेंटिक मिलेंगे. नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है. और हम आपको बताएंगे कि ये नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि जो 25 मार्च से शुरू हो रहा है, ये क्यों खास है. कारण हम आपको बता देते हैं. और कारण बताने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है. और हमारे कोई भी स्पेशल प्रोडक्ट्स आप shivago.com से खरीद सकते हैं, जो कि जेन्यून, ऑथेंटिक और सर्टिफाइड होगी. ये जो साल 2020 का चैत्र नवरात्रि है, इस बार नवरात्रि में कई शुभ योग रहेंगे, जिनमें चार सर्वार्थ सिद्धि योग, पांच रवि योग, एक द्विपुष्कर योग और एक गुरु पुष योग है. तो इसमें सर्वार्थ सिद्धि योग की जो डेट है वो हम आपको बताएंगे. और साथ में हम ये बताएंगे कि ये सर्वार्थ सिद्धि योग होता क्या है. तो पहले तो हम आपको तारीख बता दें, उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसके फायदे क्या होते हैं. देखिए, पहला जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो है 24 मार्च. एक्चुअली नवरात्रि 25 से शुरू होता है, 25 की रात से, 24 की रात से सॉरी. तो 25 तारीख को, जब 25 तारीख लग जाएगा, तो 24 के सूर्योदय काल से लेकर 25 तारीख के सुबह 4:19 तक, तो पहला दिन हो गया सर्वार्थ सिद्धि योग. दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग है 26 मार्च को, सूर्योदय काल से लेकर ये 27 मार्च के 10:09 तक है. फिर है 30 मार्च को, जो सूर्योदय काल से लेकर 30 मार्च के सूर्योदय काल से लेकर 31 मार्च के सूर्योदय काल तक रहेगा. और उसके बाद है 2 अप्रैल को, जो सूर्योदय काल से लेकर 3 अप्रैल के सूर्योदय काल तक रहेगा. मतलब ये हो गया रामनवमी वाला दिन. तो अभी सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है. देखिए, किसी भी मुख्य कार्य को करने के लिए ज्योतिष में शुभ मुहूर्त विचार के बारे में बताया गया है. कई बार परिस्थितिवश अथवा समय के अभाव के चलते उपयुक्त समय नहीं मिल पाने के कारण कोई सुनिश्चित या निर्धारित मुहूर्त नहीं मिल पाता है, तब उस समय सर्वार्थ सिद्धि योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. देखिए, शुभ कार्य तो हर समय होते रहते हैं, किंतु जब कई ग्रह अस्त हो जाते हैं तो उस शुभ कार्य को नहीं किया जाता या नहीं हो पाता है. तो वहां पे सर्वार्थ सिद्धि योग जो है आपका मदद करता है. सर्वार्थ सिद्धि योग किसी शुभ कार्य को करने का शुभ मुहूर्त होता है. आप सब जानते हैं कि बिना शुभ मुहूर्त के कोई भी कार्य करना लाभकारी नहीं होता है, लेकिन कई बार किसी कारणवश मुहूर्त से पहले जरूरी कार्य करने पड़ सकते हैं, तो ऐसे में पुनः शुभ मुहूर्त गणना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन शास्त्रों में भी इसका समाधान दिया गया है. इस स्थिति में आप सर्वार्थ सिद्धि योग में उस कार्य को कर सकते हैं. अर्थात यदि किसी शुभ कार्य को करने के लिए आवश्यक और सही मुहूर्त नहीं मिल पा रहा है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योगों में अपना शुभ कार्य कर सकते हैं. इन मुहूर्तों में शुक्र अस्त, पंचक, भद्रा आदि पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये मुहूर्त अपने आप में भी सिद्ध मुहूर्त होते हैं. इसके अलावा कुयोग को समाप्त करने की शक्ति भी इस मुहूर्त में होती है. अब सर्वार्थ सिद्धि योग कैसे बनता है, कब बनता है, ये भी हम आपको बताएंगे. यह जो योग है बहुत ही शुभ समय है, जो कि नक्षत्रवार की स्थिति के आधार पर गणना किया जाता है. यह योग सभी इच्छाओं कामनाओं को पूरा करता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी नया कार्य जो कि सर्वार्थ योग में प्रारंभ किया जाता है, वह निश्चित ही सफलतापूर्वक संपन्न होता है तथा इच्छित फल प्रदान करता है. और यह योग विशेष वारों को पढ़ने वाले सभी विशेष नक्षत्रों के योग से निर्मित होता है. इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, यह भी हम आपको बताएंगे. देखिए, इन योगों में अभीष्ट कार्यों को करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है. अक्सर देखा जाता है कि सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही अमृत सिद्धि योग का संयोग बनता है, तो ऐसे में यह समय बहुत उपयुक्त होता है.
इन दोनों ही योगों के बनने पर अगर कोई काम आरंभ करते हैं अथवा कुछ सफलता की आशा रखते हैं तो आपको सकारात्मक फलों की प्राप्ति होती है। और इस बार नवरात्रि चैत्र नवरात्रि में आपके पास 4 सर्वार्थ सिद्धि योग है। इसमें आप मकान खरीद सकते हैं, दुकान का उद्घाटन कर सकते हैं, ऑफिस का उद्घाटन कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, खरीदना बेचना कर सकते हैं, मकान की रजिस्ट्री करवा सकते हैं, मकान की चाबी ले लीजिए आप, मकान किराए पर दे दीजिए, सगाई रोका टीका ये सारे काम हो सकते हैं। कुछ काम है जो नहीं किए जाते हैं वो है विवाह, विवाह इस योग में नहीं किया जाता है, यात्रा गृह प्रवेश ये 2 काम नहीं करेंगे। और सर्वार्थ सिद्धि योग में यदि गुरु पुष्य योग से निर्मित हो और शनि रोहिणी योग से निर्मित हो तथा मंगल अश्विनी योग से निर्मित हो तो यह योग अशुभ माना जाता है, फिर तो फिर कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।